जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि कोई भी जो लिक्विड हो, चाहे वो वाटर हो या फिर मिल्क हो या फिर किसी भी तरीके का लिक्विड हो, वो लिक्विड हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि कोई लिक्विड नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है तो वो किस कारण से होता है और वो कहां कहां पे होता है, इसकी बात ही हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली लर्न। मैं आप लोगों से आज के इस वीडियो में कैपिलरी एक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं आपसे ये बात करूंगा कि कैपिलरी एक्शन के तहत किस तरीके से वॉटर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है और वो कहां कहां पे होता है। तो आइए स्टूडेंट्स कैपिलरी एक्शन के बारे में जानते हैं कुछ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर मैं कैपिलरी एक्शन के डेफिनेशन की बात करूं तो ये होता क्या है, एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो इन नैरो स्पेसेस विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ और एंड इन अपोजिशन टू एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी। यहां पे क्या रहा है, लिक्विड फ्लो करता है कोई भी नैरो बहुत ही पतला स्पेस से बिना किसी के असिस्टेंस, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के असिस्टेंस से, मतलब उसकी मदद किए बिना, बिना किसी फोर्स की मदद से और या फिर कोई भी फोर्स अपोज किए बिना वो किस तरीके से किसी नैरो ट्यूब से या नैरो स्पेस से किस तरीके से मूव करता है और वो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट में, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन को और क्या कह सकते हैं, कैपिलरी एक्शन इज सम टाइम कॉल्ड कैपिलरिटी या कैपिलरी मोशन या फिर उसको विकिंग भी कहते हैं। तो इसके बाद दिमाग में स्टूडेंट सवाल आता है कि ये कैपिलरी एक्शन का रीजन क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो कारण की बात करते हैं, कैपिलरिटी अकर्स बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड एंड सराउंडिंग सॉलिड सरफेस। ये किसके वजह से होता है, तो जो भी लिक्विड के अंदर मूवमेंट होता है उसके मॉलिक्यूल्स और सराउंडिंग जो सरफेस है उस सरफेस के बीच में जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उस फोर्स के वजह से होता है। एंड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ कोहेजन एंड एडहेजन, और कोहेजन और एडहेजन एक नए तरीके का प्रेशर है, इसके बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इन फोर्सेस के वजह से भी विच कॉज द लिक्विड वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, जिसके वजह से जो लिक्विड है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करने लगता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कोहेजन और एडहेजन फोर्स जो होते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के बारे में देखते हैं कि एडहेसिव फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप एंड आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। मतलब कि अगर कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, अगर वो सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। ये पहली बात। दूसरी चीज, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स समझ में आ गया। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है उसको बोलते हैं, और एडहेसिव फोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। अब इसका यूज कैसे होता है इसका देखिए। तो हमें कैपिलरी एक्शन को समझने के लिए हमें सरफेस टेंशन को भी जानना पड़ेगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है। तो इसको मैं आपको लिक्विड के टर्म में आपको समझाता हूं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के टर्म में। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक लिक्विड ड्रॉपलेट है, इस ड्रॉपलेट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बीच में भी होंगे, हर जगह पे होगा और यहां साइड में भी होगा। तो यहां पे जो बीच में है स्टूडेंट्स, इसमें चारों तरफ क्या होगा, बराबर फोर्स है, तो इसका जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन जो यहां पे सरफेस के ऊपर जो यहां पे वाटर का ये जो मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल का फोर्स किधर की तरफ, अंदर की तरफ, इनवर्ड होगा ज्यादा। और यही जो फोर्स होता है, ये जो टेंशन, ये जो फोर्स अंदर की तरफ कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ये सरफेस के ऊपर लगाता है। और ये सरफेस टेंशन क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेसेस टू श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। और ये क्या है, लिक्विड की उस टेंडेंसी को कहते हैं जो कि अपने आप को कम से कम स्पेस में अपने आप को बाइंड करना चाहता है। और इसी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये आपको सर्कुलर, यहां पे ये स्फेयर के रूप में आपको, राउंड शेप में आपको दिखेंगे।
तो आई होप कि सरफेस टेंशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहां पे देखिए, इसी में क्या होता है कि ये जो एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के वजह से, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर मैं कैपिलरी एक्शन की बात करूं तो इसमें वाटर जो मूव करता है किसी प्लांट के अंदर, उसके रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करके और प्लांट्स में ऊपर की तरफ मूव करता है, तो उसमें किस वजह से, तो यही एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के वजह से ही वो जाइलम और फ्लोएम की मदद से जो लिक्विड है वो लिक्विड ऊपर की तरफ, लिक्विड हो या मिनरल्स हो, वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये बात समझिएगा, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है मतलब क्या हुआ कि वो किसके अगेंस्ट में मूव कर रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नीचे की तरफ खींचता है उसको। और इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि हमने मोटर लगा रखा हो या कोई पंप वहां पे फिट कर रखा हो और उससे ऊपर की तरफ मूव करता है। तो यहां पे जो मूवमेंट होता है वाटर का वो किसके वजह से होता है, तो बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, जिसके अंदर सरफेस टेंशन के वजह से ये एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के वजह से क्या होता है, ये जो वाटर है वो नैरो ट्यूब से ऊपर की तरफ मूव करता है और वो लीव्स तक जाके फिर वहां पे फोटोसिंथेसिस में जो फूड प्रिपेयर करना होता है उसको करता है। अब यहाँ पे देखिए, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें यहाँ पे बीच में एक कैपिलरी ट्यूब, दो अलग अलग तरीके के बीकर में कैपिलरी ट्यूब लिया गया। अब ये लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग लिक्विड्स पे, कि किसी में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, किसी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, और इन दोनों में से जो भी फोर्स ज्यादा होगा उसके वजह से उस तरीके का अफेक्ट दिखेगा। जैसे कि अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव फोर्स से, जैसा वाटर के अंदर होता है, तो वाटर में देखिए कैपिलरी ट्यूब में वाटर ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। बट इसी के जगह अगर मैं मरकरी लिक्विड की बात करूं तो वहां पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है किससे, एडहेसिव फोर्स से, और इस वजह से क्या होगा, उसमें नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, तो कैपिलरी रिपल्सन वो नीचे की तरफ होगा। ये चीज आप ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ओके। तो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स आई होप समझ में आ गया, कैपिलरी एक्शन आपको समझ में आ गया, वाटर का मूवमेंट किस तरीके से होता है सरफेस टेंशन, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स की मदद से, ये भी आप लोगों ने जान लिया। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने ये जाना कैपिलरी एक्शन होता क्या है, इस कैपिलरी एक्शन के एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसकी बात देखिए। तो ऑर्डिनरी केरोसिन लैंप, जो केरोसिन लैंप आप लोगों ने जो मिट्टी तेल का जो दिया देखा होगा आपने, जो लैंप होता है वो, उसमें आग ऊपर की तरफ जलता है, केरोसिन नीचे की तरफ होता है, और उसमें बीच में एक हमारे पास कॉटन का कपड़ा होता है, और उसमें क्या होता है, नीचे से वो उससे कनेक्टेड होता है, तो वहां पे केरोसिन क्या होगा, वो केरोसिन कैपिलरी एक्शन के वजह से ऊपर की तरफ मूव करता है और वो लगातार वो उसका लैंप जो है वो जलता रहता है और रोशनी करता रहेगा जब तक कि उसके अंदर केरोसिन बचा हुआ है, ओके। एक ये एप्लीकेशन है इसका। तीसरा, कैपिलरी एक्शन ड्रॉ इंक टू द टिप ऑफ फाउंटेन पेन निब्स। अब फाउंटेन पेन में जो आपने इंक वाला पेन, दवात वाला पेन जो यूज करते थे, उसमें आप देखिएगा उसका जब यूज करते हैं तो उसमें भी कैपिलरी एक्शन का ही यूज करके लिक्विड मूव करता है, इंक मूव करता है और फिर हम लिख पाते हैं। उसके बाद प्लांट्स एंड ट्रीज गेटिंग वाटर फ्रॉम द अर्थ, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी इससे पिछले स्लाइड में बता चुका हूं कि जो प्लांट है, प्लांट हो या कोई भी ट्री है, वो जो वाटर लेता है अर्थ से, वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करता है वाटर, वो किस वजह से, वो भी इस कैपिलरी एक्शन के वजह से ही हो पाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कैपिलरी एक्शन और वाटर का जो मूवमेंट है अगेंस्ट ग्रेविटी, ये आपको समझ में आया होगा कि किन कारणों से होता है। ऐसे अगर आपके पास और भी कोई डाउट्स अगर आपके दिमाग में आता है साइंस या मैथ से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मैं आपके डाउट के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा और उस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप वो सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि हमारा ये डेली लर्न प्लेटफॉर्म है, ये डेली लर्न प्लेटफॉर्म आप लोगों को एक बार चेकआउट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, हमारा जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे बहुत सारे लाइव क्लासेस चलते रहते हैं अलग अलग क्लासेस के, और बहुत सारे फैकल्टीज यहां पे हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपको डेफिनेटली एक बार इस वेबसाइट को चेकआउट जरूर करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।